हेलो दोस्तों, अगर एशियन एलिफेंट और पोलार बेयर के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। वैसे तो इनकी आमने सामने की लड़ाई होना नामुमकिन है, फिर भी हम इनकी कुछ जानकारी के आधारित पर इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है यह देखने वाले है। वैसे तो आपको पता ही है कि पोलार बियर कार्निवोरस होते हैं, वही एलिफेंट हर्बीवोरस। वही पोलार बियर बियर की प्रजाति में का सबसे बड़ा बियर है। वही एशियन एलिफेंट एलिफेंट की प्रजाति में का दूसरा सबसे बड़ा एलिफेंट है, जो अफ्रीकन एलिफेंट से छोटा होता है। वही पोलार बियर आर्कटिक सर्कल में मौजूद देशों में रहता है। वही एशियन एलिफेंट एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले इनके साइज से ही शुरुआत करते हैं, जहाँ एशियाटिक एलिफेंट लंबाई में करीब 5.5 मीटर से लेकर 6.5 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी सूंड और पूंछ भी शामिल है। वही इनकी शोल्डर तक की हाइट 3 मीटर तक हो सकती है। वही दूसरी तरफ पोलार बियर की लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 4 मीटर तक हो सकती है और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.2 मीटर से लेकर 1.6 मीटर तक हो सकती है और इनका एवरेज वेट 350 किलो से लेकर 700 किलो तक हो सकता है। वही एशियाटिक एलिफेंट का एवरेज वेट 3000 किलो से लेकर 5500 किलो तक हो सकता है। तो आपको इनके साइज और वजन से ही पता चल गया होगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। फिर भी हम इन दोनों के हथियारों के बारे में जानेंगे, जो यह शिकार करने के लिए और शिकारियों से बचने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले एलिफेंट के बारे में जानेंगे। एलिफेंट अपने शिकारियों को और प्रतिद्वंदी को अपनी सूंड की मदद से और लंबे लंबे बाहरी दांतों की मदद से अपने से दूर रखते हैं, और साथ ही इनका भारी भरकम शरीर भी इसमें काम आता है। हाथी के सूंड में मोर देन 60,000 मसल्स होते हैं और यह इन्हीं के मदद से अपने वजन के मुकाबले 3% वजन को आसानी से उठा सकते हैं। यानी कि 6,000 किलो का एक हाथी अपने सूंड से 180 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है और इनकी यह सूंड लंबाई में करीब 1.5 मीटर से 2 मीटर तक हो सकती है। साथ ही इनके जो बाहरी दांत है वह भी 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जिसकी मदद से यह अपने प्रतिद्वंदी को काफ़ी जख्मी कर सकते हैं और उसकी जान भी ले सकते हैं। मगर यह भारी दांत सिर्फ मेल एशियाटिक एलिफेंट को ही होते हैं, फीमेल एशियाटिक एलिफेंट को यह दांत नहीं होते हैं। वही दूसरी तरफ पोलार बियर अपने 42 टीथ की मदद से और अपने बड़े पंजों की मदद से अपना शिकार करते हैं, जो अपने शिकार को 1200 PSI बाइट फोर्स से काट सकते हैं। वही यह अपने शिकार को 1.6 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं, मगर एलिफेंट 19 किलोमीटर दूर से ही पानी के सोर्स का पता लगा सकते हैं और साथ ही यह जमीन पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। वही पोलार बियर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। वही यह पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं। मगर एलिफेंट भी इतने वजन के बावजूद काफ़ी अच्छे स्विमर्स होते हैं। तो यह थी इन दोनों के बारे में की जानकारी। तो इसी जानकारी के आधारित पर विनर निश्चित करना है, तो विनर है एशियाटिक एलिफेंट। तो आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है यह फाइट, वह हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।